चित्री के तो ऊपर क्या लेंगे, सब कुछ जान के लिए वहां भी पड़ा हुआ है। अगर हम लोग मान लीजिए के उपाख्यान सुन रहे किसी दूसरे महाराज का चरित्र, नाभी महाराज का चरित्र, उसमें सब जानकारी, अम्बरीश महाराज का चरित्र, बड़े बड़े राजा का चरित्र इसमें दिया है, तो उन एक एक उपाख्यान में सब कुछ जानकारी है, इस प्रकार इसमें भी सब कुछ। लेकिन इसमें विस्तार से, क्योंकि भवादेवी का वर्णन आगे आएगा, भव माने जन्म से मृत्यु तक का जो अवकाश, को भव बोलते, एक भव, दो भव, तीन भव, सात भव, तो भव है क्या जो मृत्यु और जन्म के बीच की अवस्था, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की जो अवस्था, उनको भव बोलते हैं। तो भव अठवीं आगे आएगा, अठवीं नाम जंगल, ये भवों का जंगल में जीवात्मा का समूह अटक गया है, भूल गया, भटक गया है मार्ग से, और जंगल में भटक रहा है। हम ये जंगल में भटक रहे हैं, दार एस सलाम जंगल है, मुंबई जंगल है, मार्ग ही नहीं मिलता है, तो जंगल है। ये माया रूपी ये संसार पूरा जंगल है, और जंगल में जैसे भय लगता है उसी प्रकार हम लोग भयभीत है कि नहीं, कौन मना कर सकता है। जंगल में भय होता है ना, ये एक नया आया है, पता नहीं ये ब्याह करके माँ के रो रहा है, माँ के एक बेचारा शरीर लेकर के आया है, वो भी हमारे जैसा ही है, अब रो रहा है, माँ को बोलता है मैं दुखी हूँ, दूध बूध पिला, बड़ा होकर के माँ को नहीं देखेगा, तू कौन मैं कौन, अब भाई जाओ, तो कर्म का बंधन लगेगा नहीं, माँ पाल करके ऐसा अपना शरीर खिला करके पालती है तो दोष लगेगा नहीं, गाली देगा तो उनको, यही कर्म बंधन है अहंकार के कारण। दूध का पैसा ले ले, ले। बहुत पढ़ लिख करके पैसा कमा ले, दूध का ले ले, उठा तुम्हारा दूध का पैसा उठा, और क्या नाम कर दिया, माँ को बोलते है ना ऐसे उचक्खन लड़के लोग है, इस प्रकार जो धन का अहंकार है उनको मालूम नहीं है धन माया है, नहीं है, वो है ही नहीं, वो केवल एक स्टैंप लगाया हुआ मात्र व्यवहार के लिए दुनिया में, तो व्यवहार मार्ग सत्य नहीं है, संसार सत्य नहीं है, जैसे ये धन सत्य नहीं है उसी प्रकार संसार का समस्त वस्तु सत्य नहीं है। अभी बराबर समझ में आ रहा है, कुर्ति में बैठ रहा है, मैं देख रहा हूं, यस, जब तक ये बुद्धि में नहीं बैठेगा तब तक हम भटकते रहेंगे। सत्संग सत्संग सत्संग, क्या सत्संग, टेलीविजन में भरमार है, क्या सत्संग, मंदिरों में भरमार है, क्या सत्संग, यज्ञ खूब चलते हैं, यज्ञ में मजा लो, लेकिन यज्ञ की मजा एक सजा है, कर्म, ये कर्म कांड है और ये ज्ञान कांड है। व्यक्ति को ज्ञानी बनने के लिए बैठना चाहिए कि यज्ञ में हा 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 धुआं खाए बैठ करके, ये भी एक माया है बहुत बड़ी, स्वर्ग दिखाने वाली माया है, माया माया सब कहे माया दिखे नहीं कोई, वेद भी माया माया सब बोलते हैं, लेकिन माया को जानता कौन है, वेद भी माया को नहीं ठीक से बताया कि माया क्या है, ये माया है मन रूपी माया, सबसे पहले मन माया है, बहुत बड़ी माया, उन मन में गाड़ी बंगला रहता है, संकल्प करके फिर परिश्रम करता है, कैसे आइए अभी आज के श्लोक में जाते हैं, कहते एकादश मनसो ही वृत्तयः, कहते जो पांच कर्मेंद्रिया पांच ज्ञानेंद्रियों का समूह और एक अहंकार, ये एकादश जीव का वृत्ति है, मन का वृत्ति है, जीवात्मा केवल दर्शन करता है, देखता है कि मन क्या करता है, अपना मित्र है बेचारा क्या लाता है, तो ये लिया जा ये वस्तु को पकड़ता है, ये माया को पकड़ता है नहीं वस्तु, सुखभुग है नहीं, लेकिन वो जिस समूह से पकड़ता है, उनके पास पांच कर्मेंद्रिया है, पांच ज्ञानेंद्रिया और एक अहंकार है, और कहते हैं कि ज्ञानी लोग
उनको इन कर्म और मात्रा का जहां समूह होता है, जो कर्म इंद्रिय पांच कर्म इंद्रिय है और पांच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, तो इसका ये पूर्ण में बैठ करके एक देह में बैठ करके इसका भोग करता है उन तन्मात्रा का कर्म करते हुए। कर्म इंद्रिया पांच ठीक है, इसका भी इसकी भूमि धरातल ये अहंता और ममता स्पद देह है जिसमें जीव की अहंता है और ममता है, देह मेरा है या मैं देह हूं, ये दो अज्ञान, जबकि वो देह नहीं है लेकिन वो मन ये कूटता की है। कूटता का तो ग्राम कूट, जैसे कोई ग्राम का मुखिया है और वही ग्राम को लुटा रहा है अपने से, तो छलने वाला ग्राम को, पूरे गांव को छलने वाला, ऐसे होता था पहले, जानते आप लोग, वो गांव का मुखिया है, वो गांव को लूटते है, मुखी है वो गांव की रक्षा के लिए होता है लेकिन वही तो अपने आदमियों को बाहर खबर देते था कि इनके पास इतना इतना धन है, यह है वह है, और आदमी लोग आकर के लूट लेते हैं। वो लुटेरा मुखिया है मन, और जीव को लूटने वाली है वो है इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया मन को, एक जीवात्मा के धन को लूटती है। जीवात्मा का धन क्या है? मनुष्य शरीर में मिली हुई आयुष्य धन है, क्योंकि ये आयुष्य इन सब बात को समझने में लगनी चाहिए लेकिन ये लूट रहे हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध के समूह। अभी बराबर कमाल करने वाला जो मन है उनका क्षेत्र पकड़िए, पकड़िए इसको, आप मन पकड़ में नहीं आता है लेकिन यहाँ साफ मन को दिखा रहे हैं, उनका साफ फोटो खींचा गया है किस रूप में कार्य करता है, उनका कार्य क्षेत्र क्या है, क्योंकि जहां जहां से वो लूटता है वो लुटेरे को वहां पकड़ करके उनको फाइन करना चाहिए सजा। ये तो हमारा संपत्ति लूट रहा है। पूर्ण कर्माणी मात्राणी, कुछ लोग कहते हैं ज्ञानी लोग कि जो कर्म है और जो शब्द स्पर्श रूप तन्मात्रा है तो ये द्वादश वृत्ति भी बोलते हैं, ये एक बारहवा वृत्ति, जैसे ग्यारहवा वृत्ति, ग्यारह वृत्तियों वाला पहले गिनाया, क्या क्या, पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया दस और एकादश अहंकार, ये मन का धरातल है, मन का क्षेत्र है, ये मन में है। बहिर कैसे आता है वो आगे के श्लोक में बताएंगे। मन में ये रहता है, हमारे पास दो शरीर है, एक मनोमय शरीर, मन बुद्धि अहंकार और चित्त का बना हुआ, उनको लिंग शरीर बोलते हैं, कारण शरीर। वो कारण किसका है? ये स्थूल शरीर का कारण है जो कार्य करता है, स्थूल में स्थूलता में कार्य होता है। जब ये स्थूल देह मिलता है ग्रॉस बॉडी, तो सटल बॉडी उन ग्रॉस बॉडी से कार्य करता है, इसलिए उनको कारण शरीर बोलते हैं। तो ये कारण शरीर का राजा है मन, यद्यपि आगे ये बात आएगी कि वो राजा नहीं है, वो भी जड़ है लेकिन चेतन जीव का चेतनता पकड़ करके चालित होता है। जैसे ये बल्ब होता है ये चलता है, जलता है का अर्थ चलता है, उनका काम है यही जलना चलना, उनका काम है चलना, तो वो इलेक्ट्रिक सिटी लेकर के चलता है। उसी प्रकार ये पावर लेता है जीव का, और है वो बल्ब लेकिन पावर लेता है जीव का, जीव है चेतन और ये है जड़, बल्ब जड़ है लेकिन उनपे चेतनता है बिजली जो प्रकाशित करता है। उसी प्रकार हमारे शरीर, हमारी इंद्रियां, इन सबको प्रकाशित करने वाला मन, इनके पास पावर नहीं है। पावर किसका है? आत्मा का, जो चेतन है, और जो जड़ से बिल्कुल मन से बुद्धि से परे, इसी को भगवद गीता में खूब समझाया गया है।
भगवान के द्वारा अर्जुन के अज्ञान को दूर करने के लिए, उनकी अहंता और ममता को दूर करने के लिए भगवान ने पूरी बात भगवत गीता में बताया। आप लोग पाठ करते भगवत गीता तो पता चलेगा, अगर बैठ करके सीरियल देख रहे तब कुछ नहीं पता चलेगा, तब तो शत्रुवत काम करेगा, आहा हो, लेकिन तुम भी मरो और फिर आहा करो। जबकि मृत्यु नहीं है और वो मृत्यु टालने के लिए मनुष्य जीवन है, जीव का स्वभाव अमर है। लेकिन ये कुट ग्राम कुट, ये सारा ग्राम को लेकर के, इंद्रियों को समूह को लेकर के उनकी संपत्ति को लूटता है, बैठ करके खाता है। नौकर, कल हम लोग देख रहे हैं वो नौकर स्वामी बनकर के बैठा है वो नौकर दास किसका, जीवात्मा का। लेकिन दास बढ़ गया खा पी करके, अब स्वामी को अंदर में करके रख दिया है। जैसे पहले के राजा लोग, वो राजा लोग का प्रधानमंत्री बढ़ करके सब सैन्य को अंदर में करके वो राजा को बंदी बना लेता है, ऐसा हमारे साथ हुआ है। ये दुर्घटना इस हजारों उदाहरण है उनको समझाने के लिए, हजारों उदाहरण, लेकिन वो मिलेगा भागवत से। उसी जगह बहुत कम, वेद में भी बहुत कम है। तो देखिए वो कहते हैं, हे वीर, हे अज्ञान वीर, अपने आप को वीर बता रहे, वो भले ही तुम बोल रहा था कि मुझे त्रिशूल का डर नहीं है, ये डर नहीं है, मैं मानता हूं तुम वीर हो, क्षत्रिय स्वभाव है तुम्हारा, लेकिन ये वीरता नहीं है कि मर जाना, ज्ञान प्राप्त करके जी जाना या जीवन को लंबा कर लेना, अमृत कर लेना, इसी को वीर बोलते हैं संसार में। इसलिए बोलते हैं, हे ज्ञान वीर, अर्थात अज्ञान ये भूमि है, क्षेत्र है, और उन क्षेत्र को जो नहीं है उनको तुम परमानेंट मान रहे हो इस संसार को, और अपने को परमानेंट राजा मान रहे हो, तो इसलिए व्यवहारिक जगत मिथ्या है। व्यवहार के लिए तुम एक राजा नाम का व्यक्ति हो, कल ये पोस्ट बदल जाएगी, तुम निकल जाएगा, दूसरा आएगा राजा के रूप में, ये तो एक पोस्ट है। जैसे मनमोहन सिंह का पोस्ट गया जनता पार्टी आगे, तो अपना आदमी बिठाया उन्होंने, मोदी को बिठा दिया, ये तो पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, पोस्ट है। जो पार्टी आता है वो वहां बिठा देते हैं अपने आदमी को। ये सब छाया मात्र है, ये मन का कमाल है, लेकिन वो क्या कमाल है, मन उनको सत्य करके दिखाता है व्यवहार को। ये जगत के व्यवहार हम सत्य मानते हैं और आत्मा को हवा मानते हैं, जिनके कारण ये सब कुछ कार्य होता है, चेतना के कारण ये संसार चालित होता है। अगर चेतना नहीं है, चेतन शक्ति भगवान की जो एक शक्ति है, अपरा यम इतस्तु अन्यम प्रकृतिम विधि में पराम भूमिरा को अनुरो वायु कम मनो बुद्धि एवं च, भगवत गीता में विस्तार से उनका वर्णन है। मेरी दो प्रकार की शक्ति है, एक पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, जल अपने से चालित नहीं है, लेकिन जीव भूताम हे महाबाहो हे अर्जुन, एक जीव नामक उपाधि वाली दूसरी मेरी एक शक्ति है, वो है चेतन, वो इन जड़ जगत को चालित करती है। इसमें से जीव तत्व को निकाल लिया जाए, इसमें कुछ चलेगा नहीं। या भगवान अपनी काल शक्ति को निकाल दे, जीव शक्ति को निकाल दे, ये हिलने डुलने की शक्ति पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में नहीं है, अपने से हिल नहीं सकते, ये काल पीड़ित करता है प्रकृति को। ये आगे आएगा, ये सारी घटना सारा बात आगे बताई जाएगी कि उसका मालिक कौन है, और जीव केवल एक शरीर का स्वामी है, और समष्टि का स्वामी कौन है, ये सारी बातें इस प्रवचन में आएगी। कहते हैं कि देखो, ये एकादश भूमि क्षेत्र, भूमि मान क्षेत्र, ये मन का क्षेत्र है, कैसे व्यवहार करता है, आइए आगे के श्लोक में जाते हैं। अभी टाइम है। कहते गंध कृति स्पर्श रस श्रवांशी विसर्ग अत्यय अभिचल्प शिल्प एकादशम स्वीकरणम ममेति संयम अहम
द्वादशम एकम आव, एकदम स्पष्ट कर रहे, आगे शॉर्ट में बताया, अभी उसको विस्तार से बता रहे कैसे कार्य करता है मन। ये दस वस्तु को लेकर के कहते गंध, वो क्या करता है, ये देह को लेकर के देह अभिमानी जीव गंध को भोग रहा है, नाना प्रकार का गंध है, सब्जियों में भी एक गंध है, इससे कुछ गंध वाली सब्जी सब्जी वो जीव खाता है, उनकी फेवरेट हो जाती है, अमुक सब्जी अमुक के अमुक फेवरेट, जिनका मन ज्यादा लग गया वो फेवरेट हो गया आइटम, किसी का रसगुल्ला फेवरेट हो गया, फेवरेट क्या है, पसंद है? एक पसंद हो गया, ठीक है, खा करके क्या करेंगे, पसंद है पसंद है, और अंत तक खाएंगे मन तो भरेगा नहीं, मन एक माया है, वो संतुष्ट होगा नहीं, और उनके बाद में खाने का इच्छा है, अरे रसगुल्ला रसगुल्ला इतना मीठा, वो मीठे खाने का इच्छा, तो बोलते ठीक है और मर गया, क्योंकि जीवन तो शाश्वत नहीं है, सनातन जीवन किया नहीं, ये सब जानकारी करके भगवान का भजन किया नहीं, इसलिए काल को हटाया नहीं मार करके बीच में से, ये बीच में काल बाधित है, वो काल बाधा रूप में आ गया और समय पूरा हो गया, इसी में भोग में एक प्लेट नहीं मिलेगा और मरना पड़ेगा, तो बोलते कौन सा, बोले मीठा स्वीट डिश, तब बोलते हैं अभी अभी यहाँ पूरा हो गया तुम्हारा स्वीट डिश इत्यादि, लेकिन स्वीट डिश खाने का इच्छा है, इसलिए लाल चीटी बनो, कभी भी मिर्ची के डब्बे में नहीं मिलेगी चीटियां, उनकी वृत्ति बन गई है, और वही अपने घर में चीटी बना तब, और घर में आ सकती है, तो जहां जिसकी आ सकती वहां जीव को धकेलते, ये है भोग, और भोग कितना डेंजर है, घर में चीटी बन गई है, घर का मालिक था, अब चीटी बन गई, कोई सलाम वलाम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, कोई सैल्यूट नहीं, जबकि घर उन्होंने बनाया था, बंगला अपना बंगलो बना करके वो पूर्व जन्म में आसक्ति था ना, इसलिए वहीं भेजा, वहीं पर चिटिया बिटिया हम लोग रखते हैं, भगवान व्यवस्था करते हैं, चिटियों का शरीर भी वहां रखता हूँ, तुम अकेला मान रहा था ना कि मेरा घर है, अकेला का नहीं है, सबका है, तो प्रकृति के अंतर्गत सबका घर है, तो वहां चिटी जाओ, अपने घर में चिट्ठी बनाते, कितनी दुर्दशा जीव है, कितनी दुर्दशा में फंसा हुआ, हम उनका विचार नहीं करते, अर्थात गंभीरता से इसके ऊपर कोई गौर नहीं करते, खा रहे खा रहे, और मजा आ रहा तो खा रहे, आप क्यों मना करने वाले कौन होते, मजा ले रहा हूं मैं, लेकिन सजा, यहां मजा ऐसे नहीं लिया लेने देते हैं, सजा है, इसके पीछे ही सजा खड़ी है, मजा मत लो बेटा, सीधा चलो लाइन पे, गंध एक है, कहते आ कहते गंधक कृति, आकृति का अर्थ दर्शन, हम आकृतियां देखते हैं और कोई आकृति पसंद आ जाती है, खास करके स्त्रियों की आकृति पुरुषों को, और पुरुषों की आकृति स्त्रियों को, बहुत बड़ी माया, ये जो माया रखा गया है ना, आकर्षण बीच में एक दूसरे के, ये तो माया का आकर्षण है, वो समूह स्त्रियों में आसक्त होकर के अगले जीवन में स्त्रियां बनती है, ये समूह पुरुषों में आकर्षित होकर के अगले जीवन में पुरुष बनते हैं, और ये नहीं है कि मनुष्य रूप में, अनेक रूप है, प्रत्येक योनि में स्त्री और पुरुष है, नहीं ठीक है, अच्छा हुआ आदमी बनूंगा मैं एक स्त्री हूं, लेकिन पुरुष पादा भी है, पादा बोलते ना, जो वैश पुरुष को बोलते हैं पादा, पाडो पाडो हाँ पाडो, पुरुष उसमें भी मिला दिया जाएगा, फिर उनका मांस सबसे अच्छा है, फिर कतल खाना जाना पड़ेगा, क्योंकि मांस में टेस्ट दिया इसलिए पादा बना,
और नहीं वो पाड़ा बनी, हाँ वो मांस बहुत टेस्ट, उसमें भी पाड़ा का बहुत टेस्ट मान, ऐसा मैंने सुना, पता नहीं खाया नहीं हमने, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि वो पता नहीं उसमें क्या टेस्ट है, लोग बहुत खाते थे उनको, वो टेस्ट चस्का लग गया पाड़ा का, तो पाड़ा बना, क्योंकि वो नहीं वो लेडी थी तो उनको चस्का लग गया ना, पाड़े का बहुत बढ़िया होता है, और फिर पुरुष में आ सकती थी साथ में, हमारा कार्यक्रम बता रहा हूं मैं, यही तो कार्यक्रम है हमारा, मन को लेकर के भयंकर आसक्ति चलती है संसार में, ये कितना डेंजर है उसको दिखा रहा हूं मैं, और फिर स्थिति बहुत सुंदर थी लेकिन पाड़ा बन गई, और पाड़ा बन करके जो जो व्यक्ति को वो खाई थी, जो जो पाड़ा को, वो पाड़ा और पाड़ी बन करके वो टेबल पर बैठ रहे, और वो पाड़ा का मांस लाया जाता है पका करके खाओ, क्या अच्छा रहेगा, हमारे मांस को पका करके दूसरे लोग खाएंगे, क्या मान रहे आप लोग, बढ़िया है, तो हम भी दूसरे का खाते हैं, वाह हम भी नाश्ता या भोजन बनेंगे किसी का, हमारे पास भी ऐसा शरीर है, वो परिवर्तन होकर के इस प्रकार हम प्लेट में चले जाएंगे, बना करके प्लेट में चले जाएंगे, और वही लोग खाने वाले हमको खाएंगे, खाइए जितना खाना है खाइए, और पिए जितना पिए, बुद्धि को डाउन कीजिए, ये समझ नहीं, मनुष्य बुद्धि को लोग क्यों डाउन करना चाहते हैं, पी पी करके ये समझ करके दुखों से छुटकारा प्राप्त कर, दुखों के कारण बेचारा बहुत दुखी है, इसलिए पी रहा, बेचारा नहीं है हरामी है, उनको दुख का उपाय सोचना चाहिए था, उपाय सत्संग है, बैठना चाहिए था, क्यों पी रहा है, उनको उपाय सोच करके सत्संग में बैठ करके इसी प्रकार इस ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए ना, अपने घर में ले जाइए भागवतम पाठ कीजिए, वो आपको दर्शाएगा, इसलिए भक्तिविदान स्वामी ने उनको बहुत लंबा चौड़ा कर दिया, एक एक श्लोक का व्याख्या करते हुए, ये व्याख्या बहुत लंबी है, इसलिए वो 18 पुस्तक में हो गया है, 18,000 श्लोक जो है उनका 18 पुस्तक में वर्णन किया है, पाठ कीजिए और खूब समझिए, कौन मना करता है, मना करता है मन, क्योंकि सीरियल क्योंकि वो ओहो शब्द स्पर्श रूप रस काज क्षेत्र, हम बिजी है, क्यों पाड़ा बनने के लिए बिजी है, ओहो हो क्या बिजी है, धन्य है आप से, जैसे आपसे बढ़कर बुद्धिमान कौन है, क्या आप स्त्री से जो मनुष्य शरीर है और पाड़ा बनेगी, आहा क्या बुद्धि है, बोलूंगा ना मैं, इसी को बुद्धि बोलते हैं, लेकिन इसी को लोग बुद्धि से बोलते हैं, और इसी को जो खुलेआम करेगा और बुद्धिशाली और सज्जन समाज, एडवांस समाज, एडवांस सोसाइटी, ले क्या बोले, कपड़ा उड़ा नहीं पहनती है, लो पशु का तो पशु को मैं एडवांस कहूंगा, बेचारा एक भी वस्तु नहीं, ये तो थोड़ा बहुत पहनते है ना, एडवांस पशु बहुत एडवांस है, एक भी वस्तु नहीं पहन, लेकिन जानते हैं जो वस्तु नहीं पहनते हैं उनको वृक्ष योनि में जाना पड़ेगा, बुद्धि बिल्कुल डाउन, जाओ वृक्ष बनो बेटा, वृक्ष नंगा रहो और केवल नंगा रह करके उनका फाइन भोगो, हजारों साल खड़े रहो, बारिश इत्यादि नंगा रह करके सहन करो, खतरा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांच हमारी ज्ञानेंद्रिया आंख कान जीभ और त्वचा ये ग्रहण करती है, वो ये मन का क्षेत्र बता रहे हैं, और कहते हैं पांच कर्मेंद्रिया है, क्या क्या है, जीभ कर्मेंद्रिय है जो भाषण करती है, और भोग में लगा हुआ जी मन प्रवृत्त होता है झूठ मूठ की भाषा बोलने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, मैं ये पकड़ना चाहता हूं मुझे चाहिए,
कैसा भी करके तो झूठ बोलेगा, यह करेगा वह करेगा, जीव से करवाएगा कर्म इंद्रिय से कार्य, और पैर जो चल रहा है गमन उनका कार्य, ये कर्म इंद्रिय है, वो वहां चल करके जाएगा जैसा मन, कंट्रोल यहाँ है सारा, क्योंकि वो बाप बन करके बैठ गया है, और जीव बेचारा दृष्टा, आहा ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, या मन को मित्र मानने के कारण हाँ ये बढ़िया है, जरा जाकर के देखे कल्पों में, पैर चल कर मंदिर नहीं जाता है, कल्प में जाता है जल्दी, और मंदिर जाता भी है तो एक मिनट में, बाकी बीजिए कल्प में जाता है, जहां छुटकारा दिलाने वाला विग्रह है भगवान का अर्चा विग्रह, वहां पर 2 सेकंड खड़ा रहता है, 2 सेकंड, तीसरी सेकंड में तो हट जाता है वहां से, मन बोलता है यहां क्यों खड़ा है, यहां तो तुम मेरे गुलामी से छूट जाओगे बेटा, ये माइक मन अद्भुत जीव को, जिनका अद्भुत चरित्र है जीव का अद्भुत, लेकिन उनको भगवान के दास को सेवक बना करके रख दिया है, तो भगवान के सामने से हटाता है, क्योंकि ज्ञानी हो जाएगा ये, भगवान उनको ज्ञान दे देंगे, दर्शन कर रहा है ना, उनको ज्ञान दे देंगे, ये कहते हैं, कहते कि इस प्रकार पैर नहीं हाथ वही वस्तु पकड़ते हैं, हाथ वो जाम पकड़ते हैं, ओहो अरे एक क्या अवस्था था, एक सुपर बना हुआ व्यक्ति कविता में, साधु भी है ना वो बहुत बढ़िया कविता बनाते हैं एकदम, जो जाम पकड़ता था वो हाथ आज पृथ्वी पर चिन्ह बनाता है, ऐसे कविता लिखा है एक भक्त ने, ये जितने भक्त कवि है उनका काव्य पाठ करने योग्य है, और जो वो टेस्ट लेती थी वो जीवा लंबी हो गई है, और जो वाणी बोलती थी वो अभी गुर्राहट करती है, वो वाणी सुवर की तरह, और वो नाक जो सुंदर सुगंध लेता था या दुर्गंध को भी सुगंध दुर्गंध को भी सुगंध चालू करेगा, ये सुगंध है, नहीं तो मांस को सुगंधित है, इतनी जघन्य वस्तु कैसे जाएगी मुख में, और इनकी दुर्गंध कैसे सन, लेकिन युष्टु वो मन युष्टु करा देता है इसमें, ये युष्टु बड़ी खतरनाक वस्तु है, वो युष्टु हो गया उनके बाद में वो नाक नथुना हो करके नीचे झुक रहे हैं, और शरीर तिरछा हो गया, आदमी का था अभी तिरछा हो गया, डिजाइन चेंज, कविता पढ़ने लायक है, कई कविता है, मैं 2-4-5 कविता का संग्रह लेकर के आऊंगा इंडिया से, कविता सुनाऊंगा एक एक, तब दिमाग ठिकाने पे लगेगा, है ना, नहीं तो बुद्धि ठिकाने पे नहीं ना, तो देखिए अच्छा वो कितना हो गया कर्मेंद्रिय में जीभ पैर हाथ 3-5 का अर्थ गुदा और उपस्थ, जननेंद्रिय और गुदा विसर्ग का द्वार है जिसमें विसर्जन होता है, उन दोनों इंद्रिया जो ये साफ करके शरीर को व्यवस्थित रखती है, और उपस्थ स्त्री की आसक्ति में प्रवृत्त करने वाला है, स्त्री पुरुष के प्रति जो ब्रह्म उत्पन्न होता है महा आनंद का ये उत्पन्न करने वाला उपस्थ है कर्मेंद्रिय, ऑर्डर करता है मन, और कार्य क्षेत्र ये शरीर है पंचभूत का, यही कार्यक्रम चालू है इस संसार में, सारे जीव जितने देहधारी जीव है इसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं, भोग में, एकादशम स्वीकरणम ममेति, और एकादश वस्तु स्वीकरणम मैं करता हूं अहंकार, जीव करता नहीं, अगले श्लोक में उनको कल हम लोग देखेंगे करता कौन है, लेकिन श्री कहते एकादशम श्रीकरणम अहंकार, ये मैं हूं
मैं करता हूं ममृति, ये मेरा है देह, और उसमें संयम कहते सैया अहम द्वादशम एकम आहू, और उनको शयन करने जो सोया हुआ है इस शरीर में, जीव सोई हुई अवस्था में, स्वप्निक अवस्था में, स्वप्न की तरह ये शरीर को बदलता है, खट 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 खट, एक सपन चला दूसरे सपन में, तीसरे सपन में, जागृत नहीं होता है, जागृति होती है सत्संग से। जब व्यक्ति सत्संग में अवकाश हो जाएगा।